स्वागत है सभी दर्शकों का गिलोला श्रावस्ती न्यूज चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से है, जहां लाभरिस मवेशी से सुरक्षा के लिए लोहे के कटीले तारों की फेसिंग में छोड़े गए करंट की चपेट में शनिवार रात एक किशोर आ गया। उसकी तड़प तड़प कर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी फरार था। रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकरपुर थाने के ग्राम पंचायत टड़वा अल्पी मिश्रा के मजरा रमवापुर में एक किसान रामकुमार पुत्र भगवान दीन अपने मक्के के खेत में कटीले तार की फेसिंग कराई थी। इन तारों में करंट भी प्रवाहित कर रखा था। शनिवार रात इसी गांव निवासी 14 वर्षीय अशोक कुमार पुत्र विष्णु अपने खेत जा रहा था। जैसे ही खेत के पास पहुँचा तैसे ही कटीले तार में हार्ट टच होने से किशोर करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने देखा तो घर पर सूचना दिया। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे तब तक किशोर की मौत हो चुकी थी। इसकी जानकारी थाने पर दी गई। पुलिस ने मौके की जांच कर शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वही SHO वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि राम कुमार पुत्र भगवान दीन पर गैर इदार्थन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रविवार को उपनिरीक्षक नरसिंह सिपाही विकास कुमार व सुधीर ने दबिश देकर राम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।